अफसोस हम 5 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके। लापता अब्दोस की कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट का कहना है कि लापता अब्दोस टाइटन में सवार मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। यकीन है कि टाइटन के तमाम 5 मुसाफिरों को हम खो चुके हैं। टाइटन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा है कि ये वाकया टाइटैनिक की तबाही के मुकाम पर पेश आना मेरे ख्याल में बहुत हैरान कन है। ये वाकया काफ़ी गैर हकीकी लगता है। एक इंटरव्यू के दौरान सियाती अब्दोस टाइटन के बारे में कैमरून ने बात की जिसका टाइटैनिक के मलबे तक पहुँचने के रास्ते में रबता टूट गया था। इस हवाले से कम्यूनिटी के लोग इस अब्दोस के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। वज़ीर आज़म आज दौरा फ्रांस मुकम्मल करके लंदन जाएंगे जहाँ वो 2 से 3 दिन क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अपने 3 रोज़ा क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखला इसहाक डार ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आइडिया मैंने दिया था। इस्लामी मुमलिकत का फ़र्ज है कि खवातीन की मदद करें। उन्होंने कहा कि सिला मुतासरीन में 18 अरब रुपये तकसीम किए गए। सिला मुतासरीन की इमदाद के लिए NDM के लिए 12 अरब की मंजूरी दी। वाशिंगटन में मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई। मुलाकात का मुश्तरका ऐलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें।